हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी एकदम से अच्छे हैं। तो आज की जो रेसिपी होने वाली है वो रात के चावल, सबके घर में चावल बच ही जाते हैं अक्सर चावल, तो उसका मैं कुछ अलग से चटपटा नाश्ता बनाऊंगी। तो वो मैं कैसे बनाऊंगी उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं सोफे की कवर धोऊंगी तो इनको चेंज कर लेती हूँ। मशीन लगाऊंगी तो आज मैं ये भी धो देती हूँ, साथ में बेडशीट वगैरह धो रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन कर दिए बंद, धो दिए कपड़े। आधे कपड़े मैं छत में डाल के आऊँगी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मोटे कपड़े छत में डाल के आऊँगी। तो ये हैं रात के बचे हुए चावल, क्योंकि रात को थोड़ा चावल ज़्यादा बन गए थे, चावल बच गए थे, तो इसका बनाऊंगी मैं बहुत ही खस्ता चटपटा नाश्ता। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 प्याज, जो मैंने पतला पतला काट लिया है। तो ये ऐसे पतला पतला मैंने काट लिया है, और आलू भी पतला पतला काट लिया है, लच्छे टाइप इस तरह काट लिया है, पानी में रखा हुआ कि काले ना पड़े। और साथ में लिया हरा धनिया, 2 हरी मिर्च और मसाले। मसाले में है अजवाइन, थोड़ा जीरा, साबुत धनिया, सौंफ, काली मिर्च, दरदरा कूट लिया है, अदरक लहसुन पीस लिया है, और साथ में चाहिए मैं बेसन। तो करेंगे चावल में सबको मिक्स। तो चावल में मैं पहले प्याज डाल रही हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक लहसुन, जो सारे मसाले वो डाल दिए। आलू का पानी निकाल के निचोड़ के इसमें डालेंगे। तो आलू मैंने निकाल के मैं डाल दूंगी आलू, और उसमें डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक। इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स। पहले मसाले मैंने अच्छे से सब चीज़ मिक्स कर लिया है। इसमें डालूंगी बेसन, जितना बेसन लगेगा उतना हम डालेंगे। तो पानी नहीं डालना, बिना पानी के हमने इसको बनाना है। तो बेसन जितना लगेगा उतना डालेंगे, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें रिफाइंड ऑयल, ताकि हमारे जो पकौड़े हैं, हमारा नाश्ता बने जो खस्ता बने। अब कर दूंगी मैं इसको अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में रखा तेल, तेल को होने देंगे गरम, फिर बनाएंगे अपने पकौड़े। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैंने बेसन 1 कटोरी लिया था, तो मेरा इतना बेसन लगा है। तेल हो चुका है गरम, बनाऊंगी मैं अपना नाश्ता।
तो गैस बन गया मेरा बचे हुए चावल का स्वादिष्ट नाश्ता चटपटा। आप इसके ऊपर चाट मसाला डालकर भी खा सकते हो और किसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो काफ़ी चटकारेदार जो है हमारा नाश्ता बन गया। तो चलिए गैस इंजॉय करते हैं, खाते हैं, तो मिलते हैं मैं आपको बाद में। यहाँ पे दीपिका खा रही है सॉस सॉस के साथ और चटनी। तो चले गए खाते हैं अपना नाश्ता। तो ये गमले मंगाए हमने, इसमें हम पौधे उगाएंगे। तो देखो कितने छोटे, तो देखा दो ना खोल के कितने बड़े हैं। एक तो हम छोटे बिल्कुल ही छोटे आ गए, हमने थोड़े मीडियम साइज के, क्योंकि हमारे छत में बहुत बड़े थे तो मिट्टी ज्यादा चाहिए उसके लिए। ग्रो बैगी मतलब मैं तो गमले बोलूंगी, मैं मिट्टी भर के इसमें पौधे लगाऊंगी, गमले तो हुए। तो ये हमने गमले मंगाए ऑनलाइन, तो इसमें लगाऊंगी मैं पौधे। तो गए दीपिका का पेपर हो गए समाप्त, तो टेंशन फ्री। तो कह रही मुझे आज टिक्के खिला दो, बहुत दिन से बाहर नहीं आ पे कुछ अभी नहीं, पार्टी दे दो। पार्टी तो जब रिजल्ट आएगा तब मिलेगा, अभी हम जा रहे हैं टिक्की खाने गाइस। तो चलते हैं मार्केट, जा रहे हैं मार्केट। तो ये भी पता चला आज वेनेसडे मार्केट है, तो हम जा रहे हैं वेनेसडे मार्केट। एक ही रिंग इतने बड़े दीपिका ले रही है यहाँ से रिंग। तो यहाँ पे दीपिका खा रही है टिक्की, मजा ही कुछ अलग है ठेली में खाने का। घर में ले जाके ठंडी हो जाती है ना, बेकार हो जाता स्वाद। यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म टिक्की। तो गैस आ गए मार्केट से घूम घाम कर, क्योंकि पहले पता नहीं था आज मार्केट लगाएगा, तो ध्यान आया वेनेसडे है आज तो मार्केट लगता है। तो वहाँ से हम साग सब्जी और थोड़ा सा फ्रूट लेके आए। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग और रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँ और मतलब अंदर से मेरे को हिम्मत मिले कि हाँ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। तो गाइस 2000 यूट्यूब फैमिली हो गई है मेरी, तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई है और उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो मिलती है अगले रेसिपी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय सीताराम, श्री राधे राधे।